नमस्कार दोस्तों, जगदीशपुर से अयोध्या वाले सफर पे जैसे हम कुचेरा बाजार क्रॉस करते हैं उससे 1 किलोमीटर की दूरी पे टोल नाका मिल जाता है। अभी हमने गेस किया लेकिन राइट है, टोल नाका बन रहा है। अगर आप जगदीशपुर से अयोध्या धाम का सफ़र करेंगे तो आपको थोड़ा सा टोल तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि जो इतना प्यारा सा रोड का आप आनंद लेंगे। और टोल नाका से पहले एक छोटी सी गाड़ी है भैया जी से थोड़ा सा पूछ लेते हैं। हेलो भैया, कुछ पूछे करा भैया, भैया से अयोध्या धाम कितनी दूर है? यहाँ से फैजाबाद है 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर वहाँ से 10 अयोध्या। 10 अयोध्या। अच्छा, ये टोल नाका बनता है क्या? ऐसा लगा। वैसे हम अयोध्या धाम के सफ़र पर निकले हैं तो ब्लॉगिंग वीडियो कर चली थी यूट्यूब खातिर, हर एक चौराहा की। कुचेरा बाजार से निकला देखा तो हमें लगा जैसे कि रोड क्रॉसिंग वाला बना, नहीं समझ में आवा। आगे पहुंचा तो लाख की टोल नाका बनता है। तो आप हेन काम करते का यही लाइन यही में का गाड़ी है, का चीज़ क्या है, मतलब इसे क्या हुआ था? सफाई है, रोड का क्लीनिंग वगैरह रोड का ना? अच्छा अच्छा, तो इतना RCC रोड रहे कि डामर पड़ेगी ऊपर ऐसे रहे? अच्छा, ये का मतलब थोड़ा बहुत जानकारी थोबे करे कि PNC जो कंपनी है ठेका ले हुई, एक मालिक क्या है? ये PNC जो है ये उनके नाम ही है मालिक। अच्छा, PNC नाम है शॉर्टकट में? तीन भाई है। नाम पता है कुछ? एक पीयूष जैन है। पीयूष जैन, अच्छा अच्छा अच्छा, तीनों वर्ड के अलग अलग नाम है। पी से पीयूष जैन, एन से कुछ और होगा, सी से कुछ और। तीन भाई हैं सगे। अच्छा अच्छा, एक माँ के ज्वाइंट हम कर दिया डायरेक्ट PNC। सही है भाई, बढ़िया। अच्छा, कब तक तैयार हो, कुछ आइडिया है? टाइम लगेगा तो 4-5 महीने लगभग करेगा। टोल में कितना टाइम लग जाए? हाँ, अभी 1 महीना लगेगा, 1-1.5 महीना लग जाए। लेकिन मस्त लगत ही है कि जैसे हर एक टोल पर जाओ तो लगत है। अच्छा, वैसे कहाँ रह वाले हैं, इनके लोकल है कहीं और से? हमारा डिस्ट्रिक्ट कन्नौज पड़ता है। कन्नौज गए भाई, उधर से वो बाराबंकी नहीं, क्या बोलते हैं उधर से, कानपुर के लिए उधर से बाईपास पकड़े थे दादा। तो ठीक काम चलता है ना आपके, डेली आवाज जाते कि वहीं रहते? हाँ, कैंप है ना। अच्छा, जो पीछे बना है राहक, सुविधा सब कुछ है, खाना पीना सब कुछ है, कैंप डाल देती है। अच्छा, मतलब सैलरी बेस पर ठेका बेस पर? अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया भाई, अच्छा लगा। बस सफ़र पे हम कह पूछ लेते कुछ जानकारी, बहुत लोग जुड़े हैं देखा कि, तो अपने क्षेत्र का ये कांटा बनता है का? हाँ, ये कांटा मतलब कांटा करके गाड़ी क्रॉस हुई है, ये कांटा है, ये कुछ साइड हुए। चलो, आप कहाँ के रहने वाले भैया? भागलपुर, बिहार। अच्छा, भागलपुर हुआ, बेतिया जिला कितनी दूर है आपके यहाँ से? 200 किलोमीटर। भागलपुर, अच्छा, भागलपुर में मनीष कश्यप आवा थे? मनीष कश्यप के बारे में कहिए कुछ। चालू बहुत अच्छा, अच्छा इंसान है ना भाई, हम उनके घर जाए वाले रहे, बस थोड़ा बिजी हो जाए, नहीं जा पावा। बहुत दुख भा जो उनके ऊपर गलत मतलब NSA लगा चुके हैं बिहार के सरकार, हुआ की सरकार बारे में। दो चीज़ बता दियो, ज़्यादा ना पूछ लिए कि हम खुद जावे। हुआ भागलपुर तो नहीं, बेतिया जिला, मनीष कश्यप के घर बेतिया जिला है। तो मनीष कश्यप बारे में थोड़ा सा बताओ आप। नहीं, मनीष कश्यप बहुत अच्छा लोग है, गरीब का बहुत, गरीब के सबके मदद करे थे जितना भी हो सका थे, आवाज उठाने वाला आदमी। लेकिन आज सच तक जो आवाज कहते सच्चाई की आवाज उठा वाले इंसान के ऊपर गलत आरोप लगाए कि तमिलनाडु में जेल कई दिन गया, इनके बारे में के दोषी कहा जाए, कहीं सरकारें कहा जाए ना, जो सियासत चलती है बिहार में आजकल, सरकारें होगा ना, सरकारें हैं वही क्या, मतलब हर एक लोगन का एक्सपोज करते रहे, जमीन से जुड़ा इंसान रहा। बहुत बड़े बड़े चैनल आए जो एक बड़े बड़े स्टूडियो में बैठ के लेक्चर दिए थे लोग देख रहे, लेकिन मनीष कश्यप ऐसा रहा कि चप्पल में पूरा ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहे, लोगों के समस्या से जुड़ते रहे हुए मनीष कश्यप। बहुत अच्छा, तब आज पूरे बिहार के सपोर्ट है मनीष कश्यप साथ, अब आज लोग चाह रहे हैं कि हुआ के CM बने हुए। लेकिन उससे पहले हम तो यह कहा बिहार की जनता से कि मनीष कश्यप को पहले जेल से निकलवाए के लाओ, फिर कार्रवाई करवाओ यहाँ के जो भ्रष्टाचार जैसे नेते लोग हैं। मनीष कश्यप का हम लोग भी बहुत अच्छा सपोर्ट, हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर अच्छे से। तो आज अच्छा लगा आपसे जान के कि भागलपुर से हैं, बेतिया के जिला के मनीष कश्यप के समर्थन करता हूँ, बहुत अच्छा लग। क्यों, चलो भैया धन्यवाद। हम लोग तो काम कर रहे हैं सोशल मीडिया।